तो हमारे फेमस गारमेंट ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनय जैन जी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 जो चला, अभी लॉकडाउन 2 महीने चला, तो ऐसे में जो ट्रेड है, ट्रेड की भी हालत एक तरह से तकलीफ हो गई, अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई, तो आपका क्या स्पष्टीकरण है इस तरह, मतलब आपका क्या ट्रेड पर कोई दूरगामी परिणाम पड़ा उस बारे में? दूरगामी परिणाम तो बहुत है, मगर हमारी जिम्मेदारी देश के लिए भी है, देश की जिम्मेदारी हमको निभाना है। लेकिन इस इंडस्ट्री में व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है, उनसे जुड़े हुए जितने कर्मचारी उनका नुकसान हुआ है, उनसे जुड़े हुए जो मजदूर वर्ग होता है उनका नुकसान हुआ है, वर्ग तो तीनों वर्गों का नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था इस नुकसान को ना इस दिन को पूरी तो नहीं कर पाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ये जो हमने 2 महीने का लॉकडाउन से बर्दाश्त किया है, लेकिन हमको ये आने वाले इसका जो परिणाम है ना, वो लगभग 1 साल तक रहेगा। हमको 1 साल तक की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और मध्यम वर्गीय ही जो लोग हैं, जो व्यापारी है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके शिकार हुए। लॉकडाउन होने के 2 महीने हो चुका है, अभी ये लॉकडाउन की 34 स्टेज चालू होने वाली 35 स्टेज, तो मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि मतलब अभी ये जो इस तरह की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आपकी जो ट्रेड एसोसिएशन है, इसके जो मेंबर्स हैं, काफ़ी मददकारी के, सहभागकारी के, गरीब लोगों के फूड पैकेट से लेकर हर चीज़ का आप लोगों का योगदान रहा है। तो यहाँ तक कि हम देख रहे हैं अभी कि आप लोग किसी किट भी एक योद्धा, एक वॉरियर जो है सेवा दे रहा हूँ, उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, और अब तक आपने क्या किया उसके बारे में बताइए। गतिविधि देखिए, पीपी किट ऐसा है कि जब पीपी के गार्मेंट इंडस्ट्री जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, कि उसमें सिलाई आती है, उसमें यानी गार्मेंट इंडस्ट्री से ही पीपी किट बन सकती है, तो कहीं ना कहीं गार्मेंट इंडस्ट्री को जो पीपी किट बनाने का श्रेय मिला है ना, वो उनके हुनर को देखते हुए मिला है। तो भी आज नागपुर में तो लगभग 10,000 15,000 पीस पीपी किट पर डे बन रही है, और ऑल इंडिया में हमारे कम से कम 2 से 2.5 लाख पीपी किट का प्रोडक्शन पर डे का चालू हो गया है। एना जो आज हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था, आज भारत की स्थिति अगले कुछ 15-20 दिनों में, महीने भर में आ जाएगी कि वो एक्सपोर्ट करेगी। जो भी हमसे छोटी कंट्री है, वहाँ पे भारत से एक्सपोर्ट होगा पीपी किट। यानी ये सब हमारे जो भी मोदी जी का जो एक सपना है कि भाई हम लोगों ने जो पैकेज दिया हुआ है एमएसएमई के अंदर में, और जो इनकरेज कर रहे हैं लेबर क्लास को, मिडिल क्लास को और इंडस्ट्री को, कि आपको सेल्फ आत्मनिर्भर बनना है, ये उसकी शुरुआत हो चुकी है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका पहला कदम हमने रख चुके हैं। और पीपी किट एक ऐसी चीज है कि जो हर गार्मेंट वाला बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुका है। यानी एक पहला ये प्रोडक्ट होगा जिसको कम समय में, 15 दिनों के अंदर में, हफ्ते 10 दिनों के दिनों में उन्होंने बनाने का प्रयास किया और सप्लाई देना चालू कर दिया। लॉकडाउन की पीरियड में अपन ने देखा है कि आपका जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल सीजन है, कि आगे चल के वो जो दिवाली सीजन आने वाला है, वो तो भी काफ़ी हैम्पर हो गया। तो ऐसे में आपके एसोसिएशन के थ्रू ऐसे में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसके तरफ से भी एक राहत पैकेज की डिमांड की गई थी, जबकि सेंटर में वो डिमांड पूरी हो गई। आपको लगता है कि आगे चल के आपको कोई आर्थिक पैकेज मिलेगा? जहाँ तक भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा उद्योग और गारमेंट उद्योग को नजरअंदाज किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का जो संदेश देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी लाखों मजदूर हैं, जिसको आपने अनदेखा किया गया है, कृपया उसके ऊपर में गौर करें और एक स्पेशल सा पैकेज कपड़ा इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री को दे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और हमको उम्मीद है कि हमारा यह सुझाव कि हमारे ऊपर में उनकी दृष्टि पड़ेगी। और खैर, मोदी जी हर इंडस्ट्री पर ध्यान देते हैं, शायद उन्होंने कपड़ा इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये हमारी भी समस्या पर है। आपके कपड़ा इंडस्ट्री हो गया हो, गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, इसमें देखा जाए कि काफ़ी लेबर जो रहते आपके अंडर में, उनको पेमेंट देना पड़ता, कई लेबर से कि इंडस्ट्री छोड़ के चले गए, अपने गाँव चले गए श्रमिक लोग, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि आपसे फिर से जब यदि मेक ओवर होंगे आगे, तो ये लेबर पुनः वापस आके आपका बिजनेस फिर से स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, ऐसा लगता है? एक दहशत मजदूर के दिमाग में बैठ चुकी है कि आज हम अब इसमें चैनलों के माध्यम से जो भी माइग्रेंट मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, ट्रेनों में चल रहे हैं,
उन्होंने चीज कहा ही है टी वी चैनल के माध्यम से कि हम से जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, कि जिनके लिए हम काम कर रहे थे आज उन्होंने हमको पूछना बंद कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि ये शायद गलत मैसेज बाहर आया है। जो मालिक था वो अपने घर में लॉकडाउन में था, जो फैक्ट्री में मजदूर रहे थे वो फैक्ट्री में लॉकडाउन थे। जब दोनों को मिलने का रास्ता ही नहीं मिला तो मजदूर दूर बैठा कुछ नहीं कर सकता था, ना मालिक कुछ कर सकता था। तो मैं मजदूर को ये कहूँगा कि मालिक ने मजदूर को नहीं छोड़ा है, क्योंकि मालिक कभी भी कोई भी जो कारखाना चलाता है या जो इंडस्ट्री चलाता है उसकी जो बैकबोन होती है, जो उसका चका होता है, उसका मजदूर होता है, और मजदूर से बगैर वो अधूरा है। आज हम अगर 1000 मशीन की यूनिट देखें, 1 एकड़ का यूनिट देखें, जब उसमें मजदूर रहते हैं ना तब उसमें रखती कि इसमें जान है, मजदूर इंडस्ट्री की जान होती है। तो वो ये ना समझे कि उनको छोड़ दिया है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि शायद वो आघात पहुँचा है कि वो अपने घर में सुखी थे, क्योंकि जब परदेश गए जहाँ काम करने गए वहाँ दुखी हो गए। ऐसी नहीं है, ऐसी भावना नहीं है। आने वाला समय हमको सीख दे के कि हमको जीवन में अब आगे किस तरीके से काम करना है, उस नई सीख लेके एक नई दिशा में काम करने मजदूर आएगा। और ये मेरी उम्मीद नहीं है, ये मेरी यकीन है कि मजदूर वापस आएगा एक अच्छी नई शक्ति के साथ में, एक नई प्रेरणा के। आप गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसके बाद भी ये जो कपड़ा से जुड़े हुए जो उद्योजक है और ये आप लोगों की जो भी समस्या है, तो आपसे ये समस्या नामदेव चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, VI हो गया, VTA है, इसके थ्रू सरकार को आपने ज्ञापन दिया है कि मतलब आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। लॉकडाउन के इस माध्यम से हम लोगों ने कहीं किसी का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सब जितने भी व्यापारी थे या जो भी अपने पदाधिकारी थे एसोसिएशन से जुड़े हुए, सब अपने पहले घरों पे और लॉकडाउन को और इससे होम हैप्पी होम कर रहे हैं। इसका कारण ये रहा है कि सरकार अभी सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई, सरकार से एक ही चीज देख रही है कि हम देश की स्थिति को संभाले कैसे। अभी ज्ञापन देने का और ये देने का टाइम नहीं है, जब उचित टाइम आएगा तो पूरी फेडरेशन, जितनी एसोसिएशन है, जितनी भी बड़ी एसोसिएशन है, इसके लिए जाएगी। क्योंकि सरकार का मूड अभी सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना फाइटर्स के लिए है, और हम सरकार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। सरकार ध्यान देगी, सरकार का ध्यान सबके ऊपर में, हमारे ऊपर भी ध्यान देगी, लेकिन हम अभी इसके लिए उचित समय नहीं समझते। सरकार ने भी कस्टमर को अपने डिस्प्ले करना चाहिए, हमने किस तरीके से अपने कस्टमर को माल दिखाना चाहिए, ये बहुत सारी समस्याओं को हमको सामना करना पड़ेगा। 2 गज दूरी सरकार का कहना है, 2 गज दूरी में व्यापार नहीं होता है। कपड़े को हाथ लगाए बगैर कोई कस्टमर कपड़ा पसंद नहीं करता है, उसके हाथ को हमने प्रॉपर सैनिटाइज करवाना चाहिए, ग्लव्स पहनाना चाहिए, उसको मास्क प्रोवाइड करना चाहिए, तब कहीं जाके हमको इस तरीके से व्यापार शुरुआत करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको अपने देश को मजबूत बनाना है। बीमारी फैलने से हमारा देश कमज़ोर होगा, हम बीमारी जितना फैलने से रोकेंगे हमारा देश उतना मजबूती से आगे बढ़ेगा, और हमको आने वाले समय में शायद लॉकडाउन की सामना ना करना पड़े। और हमारे सामने अब बहुत बड़ा सीजन आने वाला है, अभी राखी का त्यौहार आएगा, उसका दिवाली का त्यौहार आएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में मेरे सीजन आएगा। अगर हम आज इस कड़ाई से पालन करते हैं तो शायद हम अपने आने वाले समय में अच्छा व्यापार करके हमारे ये 2 महीने के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके, यही आशा रखता हूँ। सबके सहयोग के लिए सादर जय जिनेन्द्र, जय हिंद।